दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे चेंजिंग अर्थ चैनल में। दोस्तों, जहां एक और कोरोना वायरस ने हमारे और सभी के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभाव डाला है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति अपने इस लॉकडाउन के दौरान अपने पुराने स्वरूप को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और काफ़ी तरीके से खुद को रिकवर करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज हम ऐसी चर्चा करने वाले एक ऐसे जीव के बारे में जो हाल ही में हमारे बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसकी बहुत सारी तस्वीरें हमारे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, उस जीव का नाम है गोल्डन टाइगर। दोस्तों, गोल्डन टाइगर एक ऐसा जीव है जो एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी और मांसाहारी जीव है, जो हमारे हाल ही में भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया, जिसको देखा भी गया वहीं पर। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे भारत का ये एकमात्र गोल्डन टाइगर है। दोस्तों, इस बात की एक विशेषता ये है कि इसके जो शरीर पे है गोल्डन रंग की धारियां बनी हुई है, यानी कि लाल और भूरे रंग की धारियां बनी हुई है, जो जिसके कारण इसका जो रंग है, इसके जो शरीर का जो रंग है वो हमें सुनहरा दिखाई देता है और इसी कारण लोग इसे गोल्डन टाइगर के नाम से जान रहे हैं। और दोस्तों, कुछ लोग इसे टेबी टाइगर और गोल्डन टाइगर और कुछ लोग इसे स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जान रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको और बता दूँ कि ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर इस बात को देखा गया था, ये 1985 में इसे इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने सन 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और यहाँ पे इस टाइगर को देखा गया। और ये तो और भी अच्छी बात है कि ये जो टाइगर है इसे हाल ही में हमारे इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया और इसे एकमात्र भारत का एकमात्र टाइगर माना जा रहा है। और प्रकृति के अनुसार या प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है कि अभी फ़िलहाल में इस लॉकडाउन के दौरान या इस कोरोना वायरस के बीच में इसे देखा गया है। और प्रकृति से ये हमें ये भी पता चलता है कि प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में फिर से आने की कोशिश कर रही है। और इसका जो ये रंग है, इस जो गोल्डन टाइगर का, इसका जो रंग है एक विशेष जीन के कारण होता है जिसे अंतर्व्यापक प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो मैं अगली बार आपको फिर से एक बार आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।